वेलकम टैक्सन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और काफ़ी अच्छे हैं। आप देखिए 40 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रह है प्रेशर कुकर की तरह व्यवहार करता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह प्रेशर कुकर की तरह व्यवहार करता है, बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर मंगल। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो शुक्र ग्रह है यह एक प्रेशर कुकर की तरह जो है व्यवहार करता है। अब देखिए शुक्र से आपको कई बातें याद रखनी है। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इतने पॉइंट याद रखने हैं। और शुक्र से एक बात और याद रखनी है, जो सूर्य है वह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। जो सूर्य है वह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, बाकी सभी ग्रह और पृथ्वी भी जो है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, लेकिन जो शुक्र है वह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, यहाँ से याद रखना है। जो बुध है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, वो 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति के जो सबसे एक इसका जो उपग्रह है गैनीमेड, बृहस्पति का जो गैनीमेड उपग्रह यह पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो इसका भी नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम मंगल को बात करें तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, और मंगल के दो उपग्रह हैं। क्या नाम आपका रखना है, मंगल के दो उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। तो आपको चारों जो ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन से इतने प्रश्न जो है बन जाते हैं, और इतना आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंशी सोपान पर स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राइन, नील, अमेजन या फिर गंगा। तो कौन सी नदी भ्रंशी सोपान पर स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइन। जो राइन रिवर है, जो राइन नदी है, यह भ्रंशी सोपान पर स्थित है। बात करें राइन की तो यह यूरोप में बहती है, और देखिए मुख्य रूप से यह फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा, देखिए जो राइन रिवर है वह फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा रेखा बनाने का भी कार्य करती है। तो ये भी आपको याद रखना है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में राइन नदी जो है वो सीमा बनाती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा अगर हम नील नदी की बात करें तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और यह अफ्रीका महाद्वीप में है। अमेजन की बात करें तो यह विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। देखिए नील लॉन्गेस्ट है और अमेजन लार्जेस्ट है, और यह किस महाद्वीप में है, तो यह है दक्षिणी अमेरिका में। और यदि गंगा की बात करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रॉम्बोली कहाँ स्थित है। जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है स्ट्रॉम्बोली, यह कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिपारी द्वीप पर। कहाँ पर स्थित है, लिपारी द्वीप पर। और लिपारी द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो लिपारी द्वीप जो है वो इटली में स्थित है, यहाँ से आपको इतना बात याद रखना है। बात करें इटली की तो इटली की कैपिटल क्या है, इटली की कैपिटल है रोम। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार कैसा पठार है। छोटा नागपुर पठार कैसा पठार है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गिरिपथ पठार है, पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है या फिर गुंबदाकार। तो जो हमारा छोटा नागपुर पठार है यह गुंबदाकार पठार है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें छोटा नागपुर पठार की तो यह झारखंड और छत्तीसगढ़ दो राज्यों में फैला हुआ है, यानी कि झारखंड में इसका कुछ भाग है और यह छत्तीसगढ़ में भी यह स्थित है, तो आपको याद रखना है। और जो छोटा नागपुर पठार है यह खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर खनिज जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू, रेत आदि के निक्षेप से जिस मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। तो पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू रेत से के निक्षेप जो मैदान तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे लोएस्ट मैदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डोवर जल संधि जो है किसको जोड़ती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल संधि एग्जाम पूछ जाती है। तो जो डोवर जल संधि किसको जोड़ती है, बफिन की खाड़ी को अटलांटिक से, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, उत्तरी सागर को बोथनिया की खाड़ी से या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो डोवर जल संधि है यह इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। किसको, जो इंग्लिश चैनल है उसको, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। अब बात आई है इंग्लिश चैनल की, तो इंग्लिश चैनल क्या है, इंग्लिश चैनल वह देखिए फ्रांस और, तो फ्रांस और यूके, यानी कि जो यूके यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस के बीच में जो जलधारा बहती है उसे इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। तो इतना याद रखना है, यूके और फ्रांस के बीच की जो जलधारा है उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं, और यह डोवर जल संधि इसको जो है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है।
बात रही इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था, तो आरती साहा था। इंग्लिश चैनल को आरती साहा ने इंग्लिश चैनल को सबसे पहले पार किया था, जो कि भारत की प्रथम महिला बनी थी। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, ईरी झील, सुपीरियर झील या फिर ओंटेरियो झील? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सुपीरियर झील जो है वह विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी, मीठे पानी की जो है सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा अगर हम कैस्पियन सी की बात करें, जो कैस्पियन सागर है यह विश्व का लार्जेस्ट सी है, कैस्पियन सी, और यह कहाँ पर है, यह यूएसए यानी कि अमेरिका में है, तो यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, क्यूराइल धारा कैसी धारा है? गर्म है, उष्ण है, ठंडी है, गर्म उष्ण दोनों है? जो क्यूराइल धारा यह ठंडी धारा है कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, ये ठंडी धाराएँ हैं। अगला प्रश्न है, मौसम संबंधी गतिविधियाँ किस मंडल में होती हैं? तो जो मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती हैं सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है क्षोभ मंडल में होती हैं। बात करें समताप मंडल की, तो जो हवाई जहाज़ उड़ता है वह समताप मंडल में उड़ता है। और इसके अलावा हम आयन मंडल की बात करें, तो यहाँ पर जो बहुत सारे जो रेडियो तरंगें होती हैं, जो रेडियो संचार होते हैं, वो आयन मंडल में होते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारे एटमोसफेयर के चारों पाँचों लेयर होते हैं सबका नाम कैसे याद रखना है, देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि टू सॉल्व मैथ इज़ ईजी। देखिए आपको यहाँ से टी से हमारा क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, एस से स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, एम से मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल, आई से आयोनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल, और ई से एक्सोस्फेयर यानी कि बाह्य मंडल। जो हमारे स्पेस स्टेशन होते हैं वो बाह्य मंडल में होते हैं, जो रेडियो संचार उपग्रह होते हैं वो आयोनोस्फेयर में होते हैं, जो हवाई जहाज उड़ता है वो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में उड़ता है, और जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में होती है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखीय प्रदेशों में वर्षा होती है किस प्रकार की, संवहनी वर्षा, वाताग्री, पर्वतीय वर्षा या फिर कोई नहीं? तो जो विषुवत रेखीय प्रदेश होते हैं इनमें कौन सी वर्षा होती है, इनमें संवहनीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखीय प्रदेशों में संवहनीय वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुशमैन नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो बुशमैन नामक जनजाति है कहाँ पाई जाती है, देखिए ऑप्शन क्या है, सोनोरन मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में, बोलीविया के पठार में या फिर पेंटागोनिया के पठार में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारी बुशमैन नामक जनजाति है यह कालाहारी मरुस्थल में, ऑप्शन नंबर बी, कालाहारी मरुस्थल में जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राष्ट्रभाषा क्या है? इंडोनेशिया की राष्ट्रभाषा क्या है? देखिए चार ऑप्शन है, हिंदी, चाइनीज़, अरबी या फिर बहासा। तो देखिए जो इंडोनेशिया की राष्ट्रीय भाषा है वो है बहासा, उसको बहासा के नाम से जाना जाता है। अब बात है इंडोनेशिया के, तो इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता। देखिए इंडोनेशिया के कैपिटल से दो प्रश्न बनेंगे, इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता, और जकार्ता में ही आसियान यानी कि जो हमारा आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में ही है। और इंडोनेशिया से एक प्रश्न और याद रखना है कि जो इंडोनेशिया में विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी निवास करती है, सबसे मुस्लिम बड़ी मुस्लिम आबादी वाला जो देश है वो हमारा है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन बाल्टिक राज्य नहीं है? तो देखिए ऑप्शन क्या है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया या फिर मालदोवा? तो बताना कि बाल्टिक राज्य कौन से हैं, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी मालदोवा है यह बाल्टिक राज्य नहीं है। अब देखिए बाल्टिक राज्य होते क्या हैं, जो बाल्टिक सी के चारों तरफ यानी जो बाल्टिक सी को, बाल्टिक सागर को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं, जो कंट्रीज हैं उन्हें बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं, उनमें जो मालदोवा है स्पर्श नहीं करता। तो आइए हम एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि जो हमारा बाल्टिक सागर है वो कैसे फैला हुआ है। तो अगर बाल्टिक सी की बात करें तो देखिए आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं बाल्टिक सी में कौन कौन से राज्य को स्पर्श करता है, कंट्रीज को देखिए, हेलेंस्की को स्पर्श करता है, हेलेंस्की कहाँ पर है, देखिए नॉर्वे हो जाएगा हमारा, डेनमार्क हो जाएगा, देखिए स्वीडन हो जाएगा, डेनमार्क, एस्टोनिया को स्पर्श करता है, लाटविया हो जाएगा, लिथुआनिया हो जाएगा, इसके अलावा जर्मनी को भी स्पर्श करता है। तो ये सब जो कंट्रीज़ हैं उनको स्पर्श करता है बाल्टिक सी, लेकिन जो हमारा मालदोवा है मालदोवा को स्पर्श नहीं करता है। अगला प्रश्न है, रूस का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो जो रूस में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा, देखिए एल्ब्रुस है, जागरूस है, अल्ताई या फिर कोलैमा? तो जो रूस का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए एल्ब्रुस सही हो जाएगा। यह कौन सी श्रेणी में है? देखिए ये काकेशस श्रेणी में है। जो काकेशस श्रेणी का जो हमारा एल्ब्रुस पर्वत एल्ब्रुस है वह रूस का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें विश्व के सबसे ऊपर ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो क्या है, वो है माउंट एवरेस्ट।
विश्व का सबसे उच्च पर्वत शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। और यह कहाँ पर स्थित है? यह हिमालय पर्वत में और नेपाल में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और रूस का एल्ब्रुस जो है ये कॉकेसस श्रेणी में है, तो ये रूस का सर्वे सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक तापमान अल अजीजिया का है, यह कहाँ पर स्थित है? तो संसार में सबसे अधिक तापमान कहाँ पर है? अल अजीजिया में। और यह जो स्थान है कौन से देश में है? अल्जीरिया में, लीबिया में, सूडान में या फिर चाड में। तो जो हमारा अल अजीजिया नामक स्थान है वह लीबिया में है। कहाँ पर? यह लीबिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? जो हमारा इक्वेटर होता है, देखिए भूमध्य रेखा क्या होती है, देखिए अगर हम ये ग्लोब ले लें तो हमारा जो बीच की रेखा होती है 0 डिग्री, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि जो 0 डिग्री लेटिट्यूड होता है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो कौन सा ऐसा देश है जिसको भूमध्य रेखा जो स्पर्श नहीं करता है? देखिए कोलंबिया दिया है, कीनिया, सोमालिया या फिर सूडान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो भूमध्य रेखा है वो सूडान से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी, जो भूमध्य रेखा है वो सूडान से नहीं गुजरती। देखिए ये प्रश्न आपको मैप के माध्यम जरूर समझना होगा कि कौन कौन से देश जो है भूमध्य रेखा पर स्पर्श करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए भूमध्य रेखा को स्पर्श करने वाले जो यानी कि जितने भी, देखिए इक्वेटर हमारा बीच से गया है और इक्वेटर को स्पर्श करने वाले कौन कौन से देखिए देश हैं। तो देखिए एक किरीबाती हो जाएगा सबसे पहले हमारा पूर्व में किरीबाती, फिर इंडोनेशिया स्पर्श का जो इक्वेटर पर आता है, इसके बाद हमारा जो मालदीव है ये इक्वेटर पर आता है, केन्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद सोमालिया, युगांडा, देखिए सभी बीच में है, सभी ये लाइन पे हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान देना है, पहले किरीबाती, फिर इंडोनेशिया, मालदीव, केन्या, सोमालिया, युगांडा, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद गबोन जो है, इसके बाद ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, साउथ टोम एंड प्रिंसिपल है ये, इसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा, इक्वाडोर हो जाएगा और कोलंबिया। जो इतने देश हैं वह भूमध्य रेखा पर जो स्थित हैं, और जो हमारे बाकी हैं तो आपको इतना याद रखना है कि किरीबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, केन्या, सोमालिया, युगांडा, इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कांगो, ब्राज़ील, इक्वाडोर और कोलंबिया, ये सभी जो हैं इक्वेटर पर स्थित हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जो सूडान है वह इक्वेटर पर स्थित नहीं है। तो इसको आपको मैप के माध्यम से याद रखना होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो सूडान है यह भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट चैनल निम्न में से किसके मध्य गुजरता है? जो ग्रेट चैनल है निम्न में से किसके मध्य से गुजरता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो इंदिरा पॉइंट हमारी है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में जो ग्रेट चैनल है वह इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल करेक्ट है हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणतम प्रायद्वीप का पठार किसका भाग है? तो भारत के दक्षिण का जो प्रायद्वीप पठार है वह किसका भाग है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है गोंडवाना लैंड का सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स है यानी कि पृथ्वी पहले कई भागों में विभाजित थी, जो गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा है वह भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है वो है सातवां नंबर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सातवां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिए हम सातों देश के नाम याद रख लेते हैं। देखिए एक ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए रुकची याद रखना है, अब्राआ, उसके बाद हमारा आता है भारत, फिर अर्जेंटीना। देखिए रुकची, अब्राआ, भारत और अर्जेंटीना। देखिए रूस हमारा पहला हो गया, रुकचिस क्या हो गया, रूस। देखिए सबसे बड़ी जनसंख्या कौन से देश की? रूस। दूसरे नंबर पे हमारा, देखिए रूस हमारा पहले नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे हमारा हो गया कनाडा, तीसरे नंबर पे हमारा हो गया चीन, चौथे पे हो गया हमारा अमेरिका, पाँच पे हो गया ब्राज़ील, छः पे हो गया ऑस्ट्रेलिया, सात पे हो गया हमारा भारत, और आठवें की अगर बात करें तो अर्जेंटीना जो है आठवां सबसे बड़ा देश है। तो आपको बस यही एक लाइन याद रखना होगा, रुकची, अब्राआ, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद हमारा जो सातवां है वो भारत है। तो ये ट्रिक है विश्व के सबसे बड़े देशों के क्षेत्रफल की। तो भारत का कौन सा स्थान है? आठवां। जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा स्थान है, चीन का पहला स्थान है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आठवां तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो हमारा वो है अर्जेंटीना। कई कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है, तो वो हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च यानी कि जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसे जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, देखिए जोग गरसोपा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, यह कौन सी नदी पर स्थित है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का है, क्योंकि जो भारत का सर्वोच्च जलप्रपात क्या है, जोग या गोरसप्पा
यह महात्मा गांधी इसका जलप्रपात नाम रखा गया है। और यह कौन सा नदी पर है, तो यह सरावती नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सरावती नदी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, देखिए कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है, कावेरी नदी पर। इसके बाद हम गोकक नदी की बात करें तो गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात है। और नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी पर जो धुआंधार जलप्रपात है, क्या है, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात। तो ये चारों ऑप्शन आपको यहाँ से याद रखने होंगे। और सरावती पर महात्मा गांधी या जोग गरसोपा जलप्रपात हमारा स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के उत्तर से, गंगा में उत्तर से नहीं मिलती है। देखिए गंगा बीच में बहती जाती है, कुछ नदियाँ उत्तर से मिलती हैं और कुछ नदियाँ जो हैं दक्षिण में से गंगा में मिलती हैं। तो उत्तर से देखिए बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं और दक्षिण से कुछ नदियाँ मिलती हैं, तो इसमें हमें आंसर क्या देना है, कौन सी नदी गंगा में उत्तर से नहीं मिलती है। देखिए जो हमारी यमुना है वह उत्तर से गंगा में मिलती है, जो घाघरा है वह भी उत्तर से मिलती है, और कोसी भी गंगा में उत्तर से मिलती है। लेकिन जो चंबल है, चंबल नीचे मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर आके वो मिलती है गंगा में। तो जो चंबल हमारा हो जाएगा, चंबल उत्तर से नहीं बल्कि चंबल जो है दक्षिण से मिलती है। चंबल प्रश्न से एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, जो चंबल है वह यूपी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो है सीमा बनाती है। चंबल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा बनाने का कार्य करती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न है, दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, देखिए ये सफ़ेद भालू के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद भालू के लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो एक सिंह वाले गैंडे के लिए कौन सा हमारा प्रसिद्ध है, तो एक सिंह वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक सिंह वाले गैंडे के लिए भारत में क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ प्रसिद्ध है, असम में स्थित है। और बात करें कि एशियाई सिंह के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो एशियाई सिंह के लिए गिर राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ प्रसिद्ध है, गुजरात में। यह एशियाई हाथी के लिए भारत में प्रसिद्ध है, कौन, गिर राष्ट्रीय अभयारण्य जो कि एशियाई हाथी के लिए है। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट जेनेटिक सेंटर कहाँ पर है भारत में, फॉरेस्ट जेनेटिक सेंटर कहाँ है, देहरादून, कोयम्बटूर, जबलपुर या फिर मद्रास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो फॉरेस्ट जेनेटिक सेंटर है यह कोयम्बटूर में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड का जादू गोड़ा की खान प्रसिद्ध है किसके लिए, तो जो झारखंड का जादू गोड़ा खान है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशाखापत्तनम कैसा बंदरगाह है, तो विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है किस प्रकार का है, प्राकृतिक या कृत्रिम, तो विशाखापत्तनम जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक बंदरगाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे भारत के प्राचीनतम बंदरगाहों में किसका नाम प्रसिद्ध है, तो देखिए जो कांडला हमारा जो बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है, इसे भारत का प्राचीनतम बंदरगाह माना जाता है, कांडला। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता 1931 में किसके मध्य हुआ था, जो गांधी इरविन समझौता 1931 में किसके प्रयत्न से संभव हुआ था। देखिए गांधी जो इरविन समझौता है वो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 1931 में हुआ था, और यह किसके प्रयास से संभव हुआ था, तो यह तेज प्रताप सप्रू और जयकर दोनों के प्रयासों से संभव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात आई बंगाल विभाजन की, तो कब हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और इसमें भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। 1911 में, देखिए यहाँ से एक प्रश्न और याद रखना है कि जो 1911 में जो है बंगाल विभाजन जो है उसको रद्द कर दिया गया और जो भारत की राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली बना दिया गया। 1911 में जब दूसरा दिल्ली दरबार सजाया गया था तो जॉर्ज पंचम ने जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया था और जो दिल्ली को राजधानी बना दिया था, तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1907 कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो 1907 का अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था, सूरत में, और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो दलों में विभाजित हो गया था। पहला क्या था, एक था हमारा गर्म दल और दूसरा था नरम दल। तो गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे, गर्म दल के प्रमुख जो नेता थे वो थे लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। और नरम दल में कौन थे, नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी जैसे नेता थे, तो इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है।
बात करें डब्ल्यू सी बनर्जी तो भारत यह कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, मुक्त दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया? तो ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे पर, कांग्रेस के मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है मनाया था। अगला प्रश्न है, बम्बई में इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? बम्बई में इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, 19 फरवरी 1946 को बम्बई में जो रॉयल नेवी है उसमें विद्रोह जो है प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, 1939 में त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था, सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर अध्यक्ष बने थे? तो 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराकर जो है ये अध्यक्ष बने थे। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, मैडम कामा या फिर कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू जो थी भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। और एक कब बनी थी, देखिए 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी और यह 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। देखिए पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू, तो दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की जो उपाधि है वह जलियावाला बाग हत्याकांड के जो विरोध में है, जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में है वापस किया था। और जलियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 1919 को हुआ था जलियावाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 1905 में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसकी स्थापना की थी श्री श्यामजी वर्मा ने, श्री श्यामजी वर्मा ने। इसके बाद जो हमारा होम रूल लीग है वो 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया महाराष्ट्र में, और जो अखिल भारतीय होम रूल लीग है वह एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो जो कैबिनेट मिशन योजना है इसके बारे में जो असत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है कि भारतीयों के लिए संपूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, ये हमारा जो है सही हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग किसने लिया था? देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? देखिए जो पहला सम्मेलन हुआ था कब हुआ था, 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में और तीसरा हुआ था 32 में। तो जो पहला अधिवेशन या दूसरा, तीनों में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों अधिवेशन में भाग लिया था। और बात करें कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो है भाग लिया था, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने जो है सरदार की उपाधि दी। देखिए जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था कब हुआ था, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इस आंदोलन की सफलता के बाद ही बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की जो उपाधि है वो प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, जी आर लंग आंदोलन का आयोजन हुआ था कहाँ पर? तो जी आर लंग जो आंदोलन है इसका जो आयोजन हुआ था यह मणिपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को 1717 में शाही फरमान जारी किया किसने? अंग्रेजों को 1717 में किसने शाही फरमान जारी किया? तो फारूक सियार ने, ऑप्शन नंबर बी फारूक सियार ने जो है शाही फरमान जो है जारी किया था। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? तो जाटों का जो अफलातून कहते हैं वो सूरजमल को कहते हैं। किसे? सूरजमल को। सूरजमल को जाटों का अफलातून कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न दिए, काफ़ी अच्छे लेवल के थे। आपने कितने प्रश्न किए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।